हेलो डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस मेडिकल में आईसाइट क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर आप एमएनएस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और आईसाइट को लेकर या आंखों में चश्मा लगे होने के कारण आपके मन में डाउट है कि क्या मैं एमएनएस एग्जाम जैसी परीक्षा के लिए एलिजिबल हूँ, कहीं एमएनएस मेडिकल में मैं चश्मा लगे होने के कारण बाहर तो नहीं हो जाऊंगी, तो आईसाइट क्राइटेरिया से जुड़े आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम अपनी आज की इस शानदार वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। विजुअल एक्यूटी के मिनिमम एक्सपेक्टेबल स्टैंडर्ड्स को अब हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटर आई के लिए डिस्टेंट विजन करेक्टेड 6x6 और वर्स आई के लिए ये 6x18 है। हाइपर मेट्रोपिया जिसमें अस्टिगमेटिज्म भी शामिल हो प्लस 3.5D से अधिक ना हो। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पर बात करें तो फंडस और मीडिया स्वस्थ और सामान्य सीमा के भीतर हो। प्रगतिशील मायोपिया का संकेत देने वाले विट्रिस या कोरियोरेटिना के लक्षण मौजूद नहीं होने चाहिए। अच्छी बाइनोकुलर विजन फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आंखों में विजन का फुल फील्ड होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक डिसीज नहीं होनी चाहिए जिससे विजन में वृद्धि या गिरावट होने की संभावना हो। कन्फ्रोटेशन टेस्ट के अनुसार फील्ड ऑफ विजन प्रत्येक आंख में सामान्य होना चाहिए। तो ये थी एमएनएस मेडिकल में आईसाइट क्राइटेरिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। होप आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस थैंक यू। जय हिंद।